प्रभाग 77 में नागरी विकास कार्यों का शुभारंभ, वैजयंती भगत की पहल पर सड़कों की होगी मरम्मत। सानपड़ा प्रभाग 77 में दिवाली से पहले नागरिकों को विकास कार्यों की सौगात मिलने वाली है। स्थानीय नगर सेविका वैजयंती दशरथ भगत की पहल पर सेक्टर 1, 13 तथा 14 एवं 15 में सड़कों के डांबरीकरण का शुभारंभ किया गया। बीजेपी नेता दशरथ भगत ने बताया कि हम 2015 से मनपा से मांग करते आ रहे हैं कि इस सड़क की मरम्मत की जाए। अब जाकर हमें इसमें सफलता मिली है। ये काम करना बहुत जरूरी था जो आज से शुरू हो गया है। आज ह्या ठिकाणी रस्त्यांचे डांबरीकरण सानपाडा सेक्टर 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ह्या क्षेत्रामध्ये रस्त्यांची दुरावस्था आणि याची मागणी आम्ही गेल्या 2015 पासून सतत चालू होती। प्रशासनामध्ये काय घडलं, कसं घडलं, या सगळ्या गोष्टी जनतेला माहिती आहे, सर्वांना माहिती आहे। परंतु नागरिकांनी जो पाठपुरावा केलेला आहे तोही दिला आणि सतत पाठपुरावा केला। आम्ही सतत पाठपुरावा केल्यामुळे हा काम वास्तविक पता मार्चमध्ये पूर्ण व्हायला पाहिजे होतं, कारण ह्या लॉकडाऊनमुळे हे काम आता सुरू होतं पण याची गरज होती हे मान्य करावं लागेल। ह्या ठिकाणी 4 करोडच्या वरती याचा खर्च आहे आणि भारत कन्स्ट्रक्शन म्हणून या कंपनीला हा काम त्या ठिकाणी त्यांना टेंडरद्वारे मिळालेला आहे। वास्तविक पाता हे डिसेंबर जानेवारीपर्यंत संपायला पाहिजे काम, कारण तर कामात एवढं स्पीड घ्यावंच लागेल त्यांना, भले त्याचा कालावधी जास्त आहे परंतु आमचा अंदाज आहे की डिसेंबरपर्यंत हा काम, म्हणजे आता नोव्हेंबर पूर्ण डिसेंबरपर्यंत जी महत्त्वाची रस्ते आहेत, म्हणजे ज्याची दुरावस्था आहे, जी अतिशय खराब आहे, ती प्रथम आपण करून घेऊ। बता दें कि प्रभाग 77 में स्थानीय नगर सेविका वैजयंती दशरथ भगत की पहल पर लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। जन समस्याओं के समाधान की दिशा में काम चल रहे हैं। नागरिकों ने संतुष्टि जताते हुए कहा कि सड़कों की मरम्मत से जहां दुर्घटनाएं रुकेंगी, वहीं बदहाल रोड से फैल रहे प्रदूषण से भी निजात मिलेगी। नागरिकों का कहना है कि पहले बसेस मुराद सर्कल के पास नहीं रुकती थी, जो अब रुकने लगी हैं। ये कार्य दशरथ भगत की पहल के कारण ही संभव हो पाया है। स्पेशल डेस्क TV1 India। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 India को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।